अरे ये क्या, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब हो चुकी है। तुम्हारे कल पुर्जे बेकार होते जा रहे हैं। इसमें तुम्हारी भी क्या गलती है, मैं तो तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाता हूँ। ए, सुन तो जरा, चलो चलो चलो। अरे बाप रे, तुम्हारा रिक्शा तो बुरी तरह टूटा हुआ है, सीट फटी हुई है और इसके पहिए भी बेकार हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इस रिक्शे में नहीं जाऊंगा। अरे रुकिए मालिक, ओ मालिक, ओ अरे रे, वो तो अपना बैग ही भूल गए। मालिक, ओ मालिक, ओ मालिक, अरे रुकिए मालिक, रुकिए। मालिक, बात ये है कि आप अपना बैग भूल कर आ गए थे। अरे ये क्या, तुमने बैग खोल कर देखा था? नहीं मालिक, आपका बैग मैं भला क्यों खोल कर देखूं? लो लो लो, ये लो, ये रख लो। अरे छी 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 छी, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है मालिक, इसके लिए पैसे क्यों दे रहे हैं? वाह, आजकल दुनिया में तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान बहुत कम है। तुम्हारा भला हो भाई। भला ही होगा। हाँ अच्छा सुन, अब हम लोग हरिप्रसाद साहब के घर चलते हैं। उनके 3 महीने का रिक्शा का किराया बाकी है, एक बार मांग लेता हूँ, देखते हैं क्या कहते हैं। यूरेका, यूरेका, मिल गया, ये मिल गया। ये रहा, यही वो जगह है जहाँ पर अंग्रेजी कंपनी की गुप्त कोषागार थी। लाल मकान के अंदर कुएं वाली सुरंग के अंदर ही गुप्त धन है। मालिक है, मालिक, मालिक, मैं गोविंद। बोलो, क्या हुआ जी? वो अगर आप अपना बकाया रिक्शे का किराया चुका देते तो बहुत अच्छा होता। वो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं इस वक्त काम में बहुत व्यस्त हूँ, समय आने पर पैसे मिल जाएंगे। जाओ जाओ, अब तुम जाओ। सुनिए जी, मालिक ने आज भी कुछ नहीं दिया। नहीं नहीं, मालिक तो बड़े लोग है ना, काम है ये बोलकर मुंह पर धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। सुनिए, आज ना सिर्फ मुरमुरे खाकर ही किसी तरह हमारा दिन गुजर गया, लेकिन कल तो बिना खाए मरने की नौबत आ जाएगी। रिक्शे की मरम्मत ना करवाने की वजह से कोई भी रिक्शे में नहीं बैठता। ये रहा, यही वो लाल मकान है, इसके अंदर ही अंग्रेजों का वो गुप्त कोषागार है। वाह, आज मुझे गुप्त धन लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यही वो जगह है। एक सोने का सिक्का, इसका मतलब सामने खुदाई करने पर मुझे और भी सोने के सिक्के मिलेंगे। कौन है? नहीं, कोई भी तो नहीं है। इस 200 साल पुराने मकान में इस गुप्त धन और भूतों के अलावा और भला कौन होगा? Bye.
भूत भाई, अगर आप लोग सच में हो तो फिर आप लोग मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए ना प्लीज। और तो मिल गए, इसका मतलब सामने कुएं वाले सुरंग में जाने पर ढेर सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। वाह, ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा है। आज से मैं राजा, महाराजा, सम्राट बन जाऊंगा। कौन हो तुम लोग? जिनसे मदद मांग रहे थे भूल गए? जाओ जाओ, सारे सोने के सिक्के ले लो, सब तुम्हारा है, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मेरा? मैं ले लूं? सच में सब ले लूं? जाओ, ले जाओ। लालच लालच, हमें यहाँ हमारा लालच खींच कर लाया है। हम मर चुके हैं, हमारी मौत की वजह लालच है, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिली है। लालच से भरपूर सभी इंसान यहाँ आ जाओ, हम सभी एक साथ आसियाना बनाएंगे, सोना चांदी हीरे जवाहरात के साथ खेलेंगे। आ जाओ, आओ, हम सभी एक साथ मिलकर हाहाकार करेंगे, इस लालच के नरक में रोएंगे। आओ, स्वागत है। नहीं नहीं, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मरम्मत करके तुम्हें पहले की तरह ठीक कर दूंगा, देखना। सुनिए, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं बताओ? आप एक काम कीजिए ना, पता है बगल वाले गांव में एक मेला लगा हुआ है, रात में कोई ना कोई जरूर वापस लौटते समय रिक्शा जरूर ढूंढेगा, और रिक्शा ना मिले तो आपके रिक्शा में बैठ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार जाकर देखता हूँ, शायद रात में कोई सवारी मिल जाए। अरे बाप रे, बारिश आने वाली है, लेकिन अब क्या कोई सवारी मिलेगी? पता नहीं। अरे रे, तुम तो पूरी तरह से बेकार हो गए, तुम्हें अभी खराब होना था, अब मैं क्या करूं? हे गोविंद, चलोगे? अरे ये क्या, मालिक आप यहाँ इतनी रात को मेला देखकर वापस आ रहे हैं? चलो। वो मालिक, वो बात ये है, मेरी रिक्शा नहीं चल रही, आप एक काम कीजिए, कोई और रिक्शा लेकर चले जाइए। किसने कहा कि नहीं चल रहा है? तुम सिर्फ पेडल मार के देखो, मैं रिक्शे पर बैठ रहा हूँ। अरे नहीं मालिक, मेरी रिक्शा नहीं चलेगी। कहा ना तुमसे, तुम बस रिक्शा चलाओ। अरे ये क्या, ये तो सच में चल रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो ये अटक गई थी। ठीक हो गया ना, अब चलो और थोड़ा जल्दी चलो। लेकिन मालिक, जाना कहाँ है? चलते रहो, मैं सब कुछ बता दूंगा, सामने वाले रास्ते से दाएं तरफ। अच्छा मालिक। तुम्हारा बहुत सारा पैसा मेरे पास बकाया है जो कि मैंने नहीं चुकाया, आज सब चुका दूंगा, सूद समेत तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। मालिक, आप इस मकान में जाएंगे? आओ, तुम मेरे साथ आओ। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं यहाँ पर इंतजार करता हूँ, ठीक है? मैंने कहा ना, चलो, मैं आज तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा, तुम बस अंदर चलो। ये जगह थोड़ी अजीब सी लग रही है। बातें मत करो और इसकी मदद से यहाँ पर खुदाई शुरू करो। क्या हुआ, चुपचाप खड़े मत रहो और खुदाई करो।
मालिक मालिक, यहाँ एक सोने का सिक्का है, चमक रहा है। खुश हो ना, चलो चलो अब यहाँ पर खुदाई करो। मालिक ये देखिए, और दो सिक्के मिले। देखा, मैंने क्या कहा था, अब असली जगह जाने की बारी है। वो रही, वहाँ पर उस कोश सुरंग में घुसने पर ढेर सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। नहीं मालिक, मैं इतने पैसे लेकर क्या करूँगा बताइए। हम बहुत सीधे साधे इंसान हैं, हमारे पास जितना है हम उसमें ही खुश हैं। आप बस 3 महीने का रिक्शे का किराया दे दीजिए, मेरा काम उससे चल जाएगा। मैंने कहा ना, वहाँ ढेर सारे सिक्के मिलेंगे, तुम राजा बन जाओगे, राजा। नहीं नहीं मालिक, मुझे ज्यादा पैसे का कोई लालच नहीं है, और ये सोने के सिक्के भी आप रख लीजिए, ये आपके ही है। ये सब देखो, सब तुम्हारा है, आओ मेरे पास आओ और ये ले जाओ। नहीं मालिक, मुझे नहीं चाहिए, मेरे बकाया पैसे दे दीजिए, मुझे जाना है। ये सारे के सारे सोने के सिक्के सब तुम्हारे हैं, सारे सारे तुम्हारे हैं। सोने के सिक्के नहीं लोगे, ले जाओ। अरे बाप रे, भूत भूत, हे ऊपर वाले, रक्षा कर मेरी, मेरी रक्षा कर। आओ ले जाओ, ले जाओ उसे। भूत नहीं, नहीं